रावण से बड़ा तो विद्वान ब्राह्मण नहीं था कोई रावण तो एक बहुत बड़े महाज्ञानी महापंडित, महाविद्वान ब्राह्मण थे ताकि आपके समाज में भ्रष्टाचार दुराचार व्याचार क्रोध नफरत हिंसा आतंकवाद इत्यादि सभी प्रकार से हर वर्ष रावण के पुतले की ऊंचाई बढ़ती है साठ फीट अस्सी फीट सौ फीट एक सौ बीस फीट एक सौ पचास फीट और हर वर्ष बढ़ती ही जा रही प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन हम रावण को जलाते हैं रावण के पुतले को फूकते हैं दरअसल यह सत्य है कि हम रावण को नहीं रावण के पुतले को ही फूक रहे हैं जिस प्रकार से हर वर्ष रावण के पुतले की ऊंचाई बढ़ती है साठ फीट अस्सी फीट, सौ फीट एक सौ बीस फीट, एक सौ पचास फीट और हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है उसी प्रकार से हमारे अंदर जो रावण बैठा हुआ है काम क्रोध मद लोभ, ईर्षा घृणा अहंकार लालच आतंकवाद वासना इन सभी रूपों में जो रावण बैठा हुआ है उसकी भी ऊंचाई बढ़ती जा रही है उसमें वृद्धि होती जा रही है दरअसल हम रावण को फूकते नहीं है उसको हम अग्नि दे रहे हैं उसकी वृद्धि कर रहे हैं इसलिए बाहर के पुतले वाले रावण को फूकने से अच्छा है अपने अंदर हृदय के रावण को फूकिए ताकि आपके समाज में भ्रष्टाचार दुराचार व्याभिचार क्रोध नफरत हिंसा आतंकवाद इत्यादि सभी प्रकार की क्रोतियां जो हमारे अंदर बैठी है रावण के रूप में उसका विनाश हो और ऐसे हमें दिखावा ना करना पड़े रावण फूकने का रावण से बड़ा तो विद्वान ब्राह्मण नहीं था कोई रावण तो एक बहुत बड़े महाज्ञानी महापंडित, महाविद्वान ब्राह्मण थे उन्होंने सीता मैया को छुआ तक भी नहीं केवल मात्र माता की कलाई ही पकड़ी और आज का रावण कलयुग का रावण क्या कर रहा है जो हमारे अंदर बैठा हुआ हम मनुष्यों के अंदर बैठा हुआ वह रावण रोज नित्य बलात्कार कर रहा है आतंक फैला रहा है घृणा कर रहा है क्रोध कर रहा है ईर्ष्या कर रहा है सभी प्रकार की कुकर्म कर रहा है मांस खा रहा है मदिरा पी रहा है इसलिए उस रावण के पुतले को नहीं अपने हृदय के अंदर बैठे हुए रावण को चलाइए